मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर है। मोतिहारी के चिरैया ढाका और घोड़सहान को जोड़ने वाली जो ललबेगिया पुल है वो ध्वस्त हो गई, जिसके चलते पुल के दोनों तरफ करीब 2 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन वहां मौजूद स्थानीय लोगों की मदद से छोटी वाहनों को किसी तरह पार कराया जा रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से छोटी गाड़ियों को स्थानीय लोगों की मदद से पार कराया जा रहा है। दरअसल ललबेगिया पुल पर कल गढ़ा बन गया था और साथ ही उस गड्ढे के पास पथ निर्माण विभाग द्वारा घेराबंदी कर एक लेन से गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा था। लेकिन आज शाम को मोतिहारी से ढाका की तरफ जा रही लोडेड ट्रक वहां गड्ढे में जाकर फंस गई है और पुल का अप्रोच ध्वस्त हो गया, जिसके चलते दोनों तरफ जाने वाली गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है और साथ ही स्थानीय लोगों की मदद से मोटरसाइकिल और साइकिल को किसी तरह से पार कराया जा रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी आपके पास? हाँ जी, मैं बता दूं कि कल से ये ललबेगिया पुल है और काफी महत्वपूर्ण पुल है, सिकरहना अनुमंडल को जोड़ता है, बल्कि शिवहर और सीतामढ़ी जाने वाले रास्ते का भी महत्वपूर्ण पुल है ये। और ये कल से ही क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि पुल निगम के जो कार्यपालक इंजीनियर है वो पहुंचे थे वहां पे पहुंच करके पुल को एक लेन बंद कर दिया गया था पुल को, और वहां से निर्माण मरम्मत का काम चल रहा था और वहां पे एक लेन को से ट्रैफिक चालू रखा गया था। लेकिन एहतियातन वहां पे पुलिस या ट्रैफिक या प्रशासन का कोई लोग नहीं मौजूद थे कि भारी वाहन वहां से नहीं गुजरे। और आज रात में वही हुआ कि भारी वाहन ट्रक लोडेड ट्रक वहां से गुजरा और वहां फंस गया, जिस वजह से जो एक लेन शुरू था वो एक लेन पे भी आवागमन ठप हो गया। और बताया ये जा रहा है कि जो अप्रोच मिट्टी का पुल का और जो सड़क का अप्रोच है वहां थोड़ा खताव हो गया, जिस वजह से वाहन का परिचालन ठप हो गया। जी आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त तो